Namor assalam alaikum, kaise ho sab log? Yaar to aa gaya hum ek brand new khatarnak kisam ki video ke andar. Matlab yaar aap log aajkal matlab dekh rahe hoge ki khan saab ne matlab ye log aurat zat ka matlab character jo hai wo shirk kiya hua hai, lekin khair iska humne sirf aur sirf level 10 ka matlab MVP wo screen jo hota hai na, isse chulang mar ke aate hai, isse phir haath ho gaya kisi se ruhani matlab kuch nikalte hai phir aur goli nahi lagti usko. सिर्फ उसके लिए हमने बस ये सिलेक्ट किया था, मतलब थोड़े ईयर से रह गए, मतलब लेवल नहीं नोने वाले, मतलब ये खबीस औरत. अब तुम लोगों को पता है कि खैर साहब जो है वो इतना ज़्यादा खेलती नहीं है पबजी, तो मतलब चलो कोई मसला नहीं, हमारा मतलब विक्टर जो है वो वापस आएगा एक दिन. एज यूजुअल आप लोग को पता है कि हमारा घर हमारा क्रिप ग्रास जो है वो उधर हम जा रहे. खैर मतलब ये जब से अपडेट आया ना लिविक का, मतलब जब लिविक ऑफिशियल रिलीज हुआ था, तो मतलब वो जो मतलब पुराना वाला क्रिप ग्रास था ना, उसको हम कभी कभार याद करते हैं, लेकिन इसकी भी आदत अब लग गई है. मतलब शुरू के अंदर तो हमने बोला था ना कि मतलब ये वाला टटी है भी, मतलब इसमें तो गरी कम कर दी, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है. इस मैच के अंदर इतने गलत सीन होते हैं ना जख्मी बाइक के पास, जख्मी बाइक के साथ, जख्मी बाइक को सिर्फ और सिर्फ गिनो. बोला तूने ये पहले क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ गिनो के जख्मी बाइक कितनी दफा रगड़े जाते हैं, मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा जख्मी भाई, बहुत बुरा लगा. लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े पबजी में छोटी छोटी बातें होती रहती है. खैर इन लोगों का पढ़ना चल रहा था आपस में कि पहले अता भाई जो थे वो जख्मी के क्लैन में थे, ठीक है, उसके बाद जख्मी एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए उपलाइन हो गया था. तो उसके बाद अता भाई ने ना क्या बोलते हैं उनका क्लेन छोड़कर हमारे क्लेन में आ गए थे. यहाँ पर कुछ ऐसे सीन होते हैं ना, मतलब ये क्रिप ग्रास वाले जो इवेंट है ना, और ये आई एम सॉरी गाइस, हमारा मतलब स्प्रे जो था वो बिखी टटी और बदबूदार था, लेकिन यहाँ पर हर स्क्वाड में से एक बंदा लैंड होते, मतलब अगर उनके स्क्वाड में से कोई इन लड़े, बिस्मिल्लाह, ये रियल था अल्लाह या खुदाया. खैर मड़ा ये क्या इंसान छुपे हुए थे भाई, पूरा स्क्वाड है ये तो. अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, पीछे बंदा, अच्छा भाई पीछे, थैंक यू सो मच इबुल भाई, अगर तुम ना होते अच्छा भाई ने तो पीछे देख रहे पीछे. देखो अच्छा भाई की जिंदगी के रूल जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, यार रिकॉल करो यार रिवाइव दो, लेकिन अगर नहीं करना तो फिर अंकों के सामने मार देते पैमान, लेकिन बस ये हिसाब किताब है, बाकी नहीं देख रहा कि एनिमी आ रहे हैं फिर एनिमी आ रहे हैं फिर नहीं आ रहा, मतलब ये ऐसा भाई को कोई परवाह ही नहीं होता इस चीज़ का, जाऊँ मना. खैर इस मैच के अंदर यार आपके भाई के बहुत किल चोरी हो जाते हैं यार, जैसे कि पहला किल तो ये एक सेकेंड, अभी इसको किसने मारा भाई, मिस्टर उमर लख लहर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर मिस्टर उमर. वो देखो जख्मी भाई दूसरी दफा नॉक, गिनते जाओ इस मैच के अंदर जख्मी भाई के साथ मतलब हुआ, और अल्लाह अकबर ये डायनासोरों ने जो हमारी जिंदगी अजाब की हुई थी भाई, मन छोड़ ही नहीं रहते यार, बार बार खुदाए मैं कहता हूँ कि आ रहे थे और पते डायरेक्ट कान के पास आए थे, बोल रहे थे कि हमारी बाजी का रिश्ता कबूल कर लो, हमारे बाजी का रिश्ता कबूल कर लो, लेकिन अब कैसे कर सकते हैं, अब हम इंसान का औलाद है, मतलब हमने अपना डायनासोर फेंक दिया था इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये लोग डरने वाले नहीं थे ना. ये देखो फिर से हमारे कान के पास आकर बोल करके कि प्लीज़ हमारी बाजी का रिश्ता कबूल कर लो, नहीं ऐसे तो नहीं होता ना डायनासोर भाई, मतलब कुछ तो शर्म करो ना यार. यार हीलिंग नहीं है मेरे पास यार, ऊपर से ये जो है रिश्ता दे रहा है, रिश्ता तो दे रहे, लेकिन अभी तक कबूल तो किसी ने नहीं किया. इसको चेक करो, इसको देखो, ये पीछे से आ रहा है हमारा. ये लोग होते हैं ना जो मतलब फिल्म तो सारी देखते हैं लेकिन खिड़की के बाहर से, ये वो वाले लोग होते हैं, समझ रहे हो, कुछ भी खबीसों को हम बताए. अब पिक नहीं करें अरबी जो हुआ, अब पिक कैसे करेगा, मतलब अरबी पके सारे पसरी कौन था, लेकिन था लेकिन इंसान हमने देख लिए, मतलब सूंघ लिए, लगते ताजी ताजी दाल खा कर, ये किस कौन से मुल्क का झंडा है भाई. अच्छा भाई नहीं क्यों लड़ाई करते हो जो यार, इसको मारो यार, खबीस के बच्चे को मारो यार, ये जो ऊपर
यार देखो गैस जो देखो सीधी सी बात है हमारा जो स्क्वाड था वो थोड़ा सा सख्त मिजाज हो गया था इस मैच के अंदर ठीक है तो दिमाग सा ये देखो फिर से आ गया था कानों के पास बोल कर गए प्लीज हमारी बाजी का रिश्ता कर इसको देख इसको देख वो देखो अब हमको पता चल गया पीछे बंदा किधर इसको देखो ये बेचारा भी छुपा हुआ था उससे यार लख लर जाऊ मरा डायरेक्ट पुलिस करेंगे हम तुमको अच्छा अब इवोल भाई को रगड़ खैर अब इधर हिसाब किताब कुछ ऐसा था ना कि हमारा एक लूटा स्क्वाड है कि हम लोग तंग थे ये देखो इधर भी नहीं छोड़ रहा भाई वाले हील करने का फायदे क्या होते जब वो आते वो बोलते कार के पास बोल कर जाते कि बाजी का रिश्ता कबूल करो अब हम इन मीज को मारे या फिर इन लोग को मारे लेकिन खैर यहाँ पर आगे से आवाज़ आ गई थी हमको ऐसे मतलब किसी ने सख्त किस्म की दाल खाई थी तो हमको बदबू आ गई थी लगते डकार शकार निकल गए तो उसके डर खौफ से वो देखो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो डायनासोर डले हुए ना इन्होंने इन सीमेंट के ऊपर ये देखो ये लोगों की जगह लोकेशन जो होती है ना वो बता देते हैं जाकर खुदा की कसम बेइज्जत कर देते हैं वो देखो अभी नंबर चार के सर के ऊपर गिन गिन कर रहा था ये मिस्टर ऊपर कितनी दफन लोग हो गए यार वो देखो जख्मी भाई जो है फिर से बने फिरे इसको देखो आलू बटोरा बेच रहा था कोई अच्छा ये भी डर गया था ना पीछे से दूसरा स्क्वाड आ गया था यार ये जो लिविक का मैच था ना हमारा ये अजीब गरीब नस्ल का मैच था पता नहीं क्यों लेकिन था बस क्यों क्योंकि पूरा मैच मतलब पूरा मैच हमारा इधर ही गुजरा और जो गाली डायरेक्टर को पड़ी है ना मैं कहता हूँ कि वो गालियाँ किसी को भी नहीं पड़ी होंगी पैमान खैर अच्छा अभी ये देखो फिर से आ गया फिर हमारे बहुत किल स्टोरी हुए थे पता है वो फिर से जख्मी भाई को फिर से रगड़ दिया मतलब जख्मी भाई ने इस दफा इस मैच में पता क्या बोला था इस मैच में हम सिर्फ और सिर्फ नो कोने आए हैं वरना हमने खेल ही नहीं है जख्मी भाई ये कोई ये 5000वीं दफा तो नो को कहते कभी कभी लोगों से नो कहते कभी ये ऊपर वाले डायनासोर जो है वो बाजी का रिश्ता देते हैं लेकिन जख्मी भाई बोलते कि नहीं चाहिए भाई लेकिन वो खपा हो जाते हैं फिर समझ रहे हो तो खैर चलता रहते कोई नहीं कोई बात नहीं वो देखो अभी ना स्वार तो हेल्थ नहीं है ऊपर से ये अपनी तू मेरा पता है छुट्टी का खुदा की कसम पैमान अच्छा भाई कह रहे एक तो हेल्थ नहीं है ऊपर से ये अपनी बाजी का रिश्ता दे इसको देखो ये कौन रख कर गया था ये तोहफा कौन रख कर गया था अच्छा खैर अब यार इतने स्क्वाड से ना इस वो देखो फिर जख्मी वल्ला चे हमको ये नहीं पता कि हम ये वो सुवर कर रहे हैं सिर्फ मतलब हंसने का रिएक्शन दे रहे हैं लेकिन खैर ये मैच जो है ना हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे फेरियस्ट मैच था लेकिन उधर ही गुस्सेदार मैच था पता है क्योंकि इस मैच में एक तो जख्मी भाई के साथ जो हो रहा था ना वो आज तक नहीं हुआ ठीक है और दूसरा जो हम सब का जो मजा इस डायनासोर के बच्चे ने शॉट किया हुआ था ना उतना से खुश का सब खुद ही चाह ये अच्छा हमको ये लगा कि कोई इंसान लेटा हुआ है लेकिन वो कोई कपड़े छोड़ कर गया वो तो ग्रेट के साथ इस मैच बेमान इस मैच में कुछ भी चल रहा था यार इस मैच में कुछ भी चल रहा था मतलब कुछ भी नहीं हम नहीं जाएंगे भाई पैमान हम नहीं जाएंगे अब जितना कुछ सह लिया है ना इसके बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर सके ये बंदे निकलेगा तो हम मारे आ गया आया उल पाड़ के यार नहीं नहीं प्लीज यार नहीं 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 हमको यार वो भाई खुदा कसम दिल तो कर रहे कि आता भाई को आपके ऊपर छोड़ दे लेकिन यार अब क्या ही कर सकते हैं अब हम तुमको मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरा खून खोल उठता थोड़ा सा सेड पर आने के बाद अच्छा अब इस ये तो अभी तक ट्रेलर था ये जो आप लोगों ने देखा ना जो हमारे साथ ये जुल्म अत्याचार हुए थे ना ये जो आप लोगों ने अभी तक देखी ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था
आगे देखो जख्मी भाई के साथ होता क्या है, मतलब जख्मी भाई को छोड़े इंसानों के साथ क्या होता है वो देखो सर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, हम निकल गए क्योंकि जोन आ गया था। जख्मी भाई को हेल्थ देखो दोबारा, डायनासोर ने जख्मी भाई की जान नहीं छोड़नी थी। वो बोल रहा था कि यार आज तो तुम हमारी बाजी का रिश्ता लेकर ही रहोगे कुछ भी हो जाए तो। हमने जख्मी भाई को बोला कि अगर आप गिर भी जाओ तो हम आपको कंधों पर उठा लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होते यार। लेकिन चलो इधर आता, जख्मी भाई के पास एक बेड किट थी तो वो जो थे वो ऐसे निकल आए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब देख लो आता भाई, देख लो दोस्ती का पता चल गया। मैं जब बोला मैं मरने लगा हूं, खान साहब ने कहा मैं आ रहा हूं, इवाल ने बोला मैं आ रहा हूं, आपने एक बार नहीं बोला कि मैं आ रहा हूं। आता भाई ने बोले जाने तो जान है, भाग ले जाओ खान साहब, बच जाऊंगा मैं आ रहा हूँ। जख्मी भाई तुमने फरमाया, तुमने हुक्म किया और हमारे, लेकिन जख्मी भाई जितनी दफे तुम ऐसे नोक हुए हो ना, या मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ जख्मी, कोई मसले नहीं है, टेंशन नहीं लो, मरेंगे तो साथ जिएंगे तो साथ, जख्मी कोई बात नहीं, अगला मैच खेल लेंगे। जख्मी भाई कोई मसला नहीं, अगला मैच भी एक साथ ही खेल लेंगे, देखो ऐसी बात नहीं है, मतलब माइनस नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। अच्छा अब यहाँ पर जो सीन होते हैं ना वो चेक करो, वो देखो, मतलब ये देखो पाकिस्तानी और कैंप ना करे ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। फिर अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह आई एम सॉरी गाइस आई एम सॉरी। पहली बहुत मुश्किल से यार जोन के अंदर आ रहे थे हम, ऊपर से ये लोग जोन के बाहर बैठकर ये देखो हमारे पास हिल भी नहीं है यार, अजीब व गरीब शहनशाह किस्म के लोग थे। लेकिन खैर यहाँ पर इवोल भाई जो थे वो भी अपने गुट्टों पे थे और ये मर गए। और अभी आता भाई सिर बाकी है, दो बंदे इसके लेफ्ट की तरफ आ गए थे और एक ये खबीस इंसान बैठा हुआ था। अब हमारा मजगे इधर शाट थे, ये देखो हेड लगने के बावजूद भी नहीं मरा, मतलब खबीस इंसान। खैर यहाँ पर अब हम जो थे ना, हमारे जो गुर्दे थे ना वो मुंह में आए हुए थे। खैर समझते हो तो असली मिसाल क्या है, ठीक है। बोला कि यार आर्या पार इन लोगों से नहीं मरना, बस सारा मैच ये लोग कैंप करके आकर इधर हमको मतलब ओपन के अंदर पकड़ रहे, मजाक है गपे। हमने बोला इसको तो पकड़ते हैं ना, ये जो बैठा हुआ इधर खबीस औरत, जाओ मना गपे सरकारी इंसान, जहल जहल गवार पेंडू बगैरत, उसको देखो पिकनिक करने आया हुआ पैमानी, इसको देखो कैसे कैसे लोग रहते इस दुनिया के अंदर। SSG सरकार नाम चेक करो और काम चेक करो पैमान। खैर आखिरी बंदा बाकी था, अब हमने इधर तो हमारी खैर मतलब फटके हाथ पे आ गई थी यहाँ के, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये मैच बड़ा मतलब अजीब व गरीब नस्ली किस्म का मैच था पैमान, समझ नहीं आ रही थी इसमें क्यों हो क्या रहे को क्या नहीं। तो यहाँ के ऊपर हमने पूरा प्लिंक मारा, हमने बोला कि यार इसको मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि हम आए कहाँ से और मारा कहाँ से, मतलब तीर। खैर यहाँ पर ये था इधर छुपा हुआ दरख्त के पीछे, शानी वारिया भाई तुम दरख्त के मतलब पत्थर के पीछे छुप कर कर क्या रहे थे, ये जो हरकतें तुम कर रहे थे ये शुभ नहीं देती तुम्हारी उम्र के इंसान को। खैर तो मतलब गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक करो और कमेंट करो, और कमेंट में खास तौर पर टाइप एप और जख्मी भाई ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर मोहब्बत के साथ, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जब तक झूठ का पलड़ा भी भारी है तब तक हमारा लड़ना भी जारी है, लोगों को है मसला जो रखी मैंने दाढ़ी है, तरस से तू डिस्को मैंने बिना कहे फाड़ी है, मिलता मैं सबसे अलग रहूं सबसे, बोलना सीखा जब से मुखाड़ा हूं तब से, याद नहीं सबक पर याद मुझे सड़के, कहीं का ना छोड़ेंगे देख ले तू लड़के।